Good morning, India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपन एक इंपॉर्टेंट वीडियो करते हैं जिसके अंदर आपके कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है और जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं उन सभी को अपन कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी फायदा हो रहा होगा। पहले के वीडियोज आपने देखे होंगे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर आजकल हर पेपर के अंदर मेजरली बहुत पूछा जाता है और इसको काउंटर अटैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली आप आधा एक घंटा दो। आधा घंटा भी मैं बोलूंगा अगर आप दे रहे हो तो आप बहुत अच्छा करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो। 10 मिनट में आपसे सुबह 5 बजे आप देख सकते हैं उठ के, और उसके बाद में सुबह 8 बजे का अपना सेशन होता है 20-25 मिनट का, आप उसको देख लीजिए। ओके, इतना अगर आप करते हो तो आपकी जीके करंट अफेयर बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ये आपको खुद महसूस होगा। एग्जाम में तो मार्क्स अच्छे आएंगे लेकिन आप खुद ही अपने आप में महसूस करोगे कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है। तो उम्मीद करता हूं आप डेली सुबह 5 बजे उठते होंगे और सुबह उठते ही वीडियो देखते होंगे, उसके बाद रेगुलर स्टडी करते होंगे। देखिए दोस्तों, सुबह का ऐसा टाइम होता है जब आप रेगुलर 3-4-5 घंटे है ना रेगुलर निकाल सकते हैं सुबह के टाइम पर, है ना। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई घर के काम नहीं होते, आप रेगुलर सुबह 4-5 घंटे पढ़िए, उसके बाद में शाम जो है वो आपके पास में अपने लिए बच सकती है, उसके बाद में दिन में आप पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा आप एक जो स्टडी का जो अपना टाइम होता है वो निकाल सकते हैं। जरूरी है कि आप सुबह उठ के एक बहुत अच्छी शिफ्ट निकाल लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि चुनाव आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो कौन सा है? आर्टिकल 324 संबंधित है। ओपी रावत जी अपने कौन है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में परमहंस मंडलियों को केंद्रीकृत किया गया था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में परमहंस मंडलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये काफी न्यूज में है। देखिए दोस्तों, ये जो मंडली है ये सीक्रेट सोशियो रिलीजन ग्रुप है जो कि 1849 के अंदर मुंबई और जो इसके आसपास का एरिया है ना, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन किया गया था। सूरत के अंदर भी इसको बनाया गया। मेहता जी थे, दुर्गाराम जी, पांडुरंग जी थे जो कि इस ग्रुप में अंदर साथ मिलकर काम करते थे और इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट के काम करते थे, लोअर क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर काम करते थे, उनके एजुकेशन को काम करते थे, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, इन सब के ऊपर काम किया करते थे, है ना। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। और आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की बात है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिरिल रामफोसा भारत के 2019 गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो 2019 के लिए पहले हमने ट्रंप को बुलाया था लेकिन ट्रंप बिजी थे तो इसलिए नहीं आ पाए, तो हमने साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामफोसा जी उनको इनवाइट किया है। साउथ अफ्रीका में आपको पता होना चाहिए, कई लोगों को लगता है साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग राजधानी, लेकिन ये गलत बात है। 3 राजधानी है साउथ अफ्रीका की, प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन और केप टाउन। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों अलग अलग है ना। जोहान्सबर्ग सबसे बड़ी सिटी है, रैंड नाम से इनकी मुद्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यूके से ही इसको आजादी मिली थी 1910 के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन इसका 1997 के अंदर बना है, बहुत लेट बना है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में इंटरेक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है? इंटरेक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? और यह है न्यू जनरेशन बैंक, एक बैंक है जिसको अपन बोलते हैं न्यू जनरेशन बैंक। कौन सा है? इंडसइंड बैंक है वो। तो डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आप यहां पे देख सकते हैं 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एसपी हिंदुजा इसके फाउंडर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी चेयरमैन कौन है यहां पे? शीशा साई जी जो कि चेयरमैन है और रोमेश सोपती जी अभी एमडी और सीईओ है।
तो इंडसइंड बैंक के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। 1994 में ओपन हुआ है और अभी काफी लेटेस्ट चीजें जो कि ये यूज करता है, तो न्यू जनरेशन बैंक इसलिए इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है? क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। देखिए, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता की मैं बात करूं तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने हमारे क्षेत्रीय परिषद हैं। पहली बात तो यह पता होना चाहिए ना, उसके बाद अपन देखेंगे कि अध्यक्षता टोटल हमारे 6 जोन बने हुए हैं, समझ गए? टोटल 6 जोन है और ये अंडमान निकोबार और जो ये लक्षद्वीप है ये साउथ वाले के अंदर ही आते हैं। तो 6 हमारे जोन है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? होम मिनिस्टर जो है इसकी अध्यक्षता करता है क्षेत्रीय परिषदों की। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह जी, यानी कि होम मिनिस्टर आपका सही आंसर है। भारत का 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 किस राज्य में शुरू होने वाला है? ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यह आपको बताना है। देखिए, हमेशा ये पेपर के अंदर आता रहता है और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये 20-28 नवंबर 2018 को होगा ये। और अगर मैं बात करूं इस बार की, तो ये हर साल कहां पे होता है? गोवा के अंदर ही होता है ना, तो एक ही बात आपको याद रखनी है, गोवा के अंदर ही होता है, तो इस बार भी आप गोवा में होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है इस परिषद में शामिल नहीं है? तो नीति आयोग ने अभी क्या किया है, जो हमारे हिमालय वाले जो राज्य है ना, उनके लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है ताकि वो राज्य भी आगे बढ़ सके। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जो अपने पहाड़ी राज्य है, कुल मिला के बात करें तो पहाड़ी राज्यों के बारे में बात करी है ना। अब इन राज्यों के अंदर अगर मैं पूछूं कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर कौन सा नहीं है? यूपी इसके अंदर हो सकता है क्या? यूपी पहाड़ी एरिया थोड़ी ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हिस्ट्री का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार नियुक्त करे गए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आता है काराकोरम, KL, ठीक है, ZP से आप इसे याद कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में KLZP, काराकोरम सबसे ऊपर है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, फिर पीर पांजल है, फिर धौलाधर ये तो नीचे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजल, ये हो जाएगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा बताइए, एक आधी क्वेश्चन ऐड करिए, तो इसलिए मैंने ये भी ऐड कर लिया, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजल। आप देख सकते हैं गारो खासी जातिया मेघालय में, पूर्वांचल वाला जो एरिया है, अबोर मिशी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ओके, मिजो मिजोरम के अंदर, राजमहल ये देखिए छत्तीसगढ़ ये वाले एरिया के अंदर, ओके, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। जल निकाय के नीचे पाए जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अभी इंपॉर्टेंट कल ही एक न्यूज आई थी इसको लेकर, काफी एक रिसर्च आई थी, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। जल निकाय के बारे में आपको बताना है, नीचे जब पाए जाने वालों को क्या कहते हैं। आप देखिए, प्लैंकटॉन्स आपने सुने होंगे ना, सिल्वर कलर के होते हैं, जिसको खा के फिश काम चलाती है, हमारे 50% ऑक्सीजन जो है वो ये ऐड करते हैं, तो ये सिल्वर कलर के दिखते हैं रात के टाइम पे। लेकिन हमारे जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंथोस हम उसको कहते हैं, समझ गए? बेंथोस हम उसको कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंथोस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये मछलियां हैं इसके पास में जो एरिया है जो पूरा है ना, ये इनको अपन नेक्टॉन कहते हैं, छोटी छोटी मछलियों को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में दूसरा मेगा फूड पार्क हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया था? दूसरा फूड पार्क, ठीक है, सेकेंड फूड पार्क जो है वो आपको बताना है। ओके, महाराष्ट्र के बारे में तो आपको पता ही है, और ये जो दूसरा वाला स्टार्ट किया गया है वो कहां पे किया गया है? ये आपके किया गया है औरंगाबाद के अंदर, ठीक है, औरंगाबाद पैथान फूड पार्क नाम से इसके शुरुआत करी गई है। और हरसिमरत कौर बादल जो है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है, हरसिमरत कौर बादल ने। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। पहला जो था दोस्तों वो तो कहां पे खोला गया था? सतारा में खोला गया था,
और अभी औरंगाबाद में खोला गया है ना, दोनों बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं अगला। हाल ही में श्री रामायण एक्सप्रेसवे को रेलवे स्टेशन से ध्वजवाहित किया गया था, कौन सा रेलवे स्टेशन से किया गया था? 16 जो जो जगह है हमारे इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक, जहां जहां राम जी के बारे में पता है गए थे, तो वो सारी एरिया को इसके अंदर जोड़ा गया है। पूरी ट्रेन के अंदर वो जो तीर्थयात्री जो है वो घूम सकते हैं उन सारी 16 जगहों के ऊपर। तो इसको जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है वहां दिल्ली से इसकी शुरुआत करी गई थी, है ना। तो अब आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने इसके बारे में बताया था, जो करोड़ों श्रद्धांजलि है उनके लिए खुशखबरी है। स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई रामायण एक्सप्रेस, अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, तमाम जगहों पे लेकर जाया जाएगा जहां पे राम जी या रामायण से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का महत्वपूर्ण। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित करी जाती है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। ओके, तो दोस्तों ये सारे हैं आज के आपके महत्वपूर्ण, जो कि उम्मीद करता हूं आपने काफी आंसर करने की कोशिश करी होगी। नहीं भी आए तो भी चिंता की बात नहीं, अब आज आपको नहीं आए तो आने वाले दिनों के अंदर जरूर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू और गुड बाय।